आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आज के इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। वीडियो देखने के बाद आप चाहे तो डिसलाइक कर देना, लेकिन दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों आपने तो सुना होगा 21 जून के बाद जो फिशिंग अटैक होने वाला है इंडिया के लोगों के ऊपर। तो दोस्तों चाइना का जो हैकर है वो हैक करने वाले हैं आपके जो पर्सनल डेटा, आपके जो मोबाइल इन्फॉर्मेशन है, आपका जो बैंक अकाउंट डिटेल्स है, ये दोस्तों हैक करने वाले हैं, ऐसा दोस्तों न्यूज़ में सुना गया है। लेकिन दोस्तों इससे आपको बचना कैसे है आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। दोस्तों इंडिया का जो साइबर एजेंसी टीम है वो आपके लिए यहाँ पर एक एडवाइजरी जारी किया है, तो वो एडवाइजरी आपको जरूर देखना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। उससे पहले दोस्तों जान लेते हैं कि फिशिंग साइबर अटैक होता क्या है। दोस्तों फिशिंग साइबर अटैक होता ऐसा है कि जिसमें आपको कोई लालच दिया जाता है, लालच देकर आपका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, आपका मोबाइल लीक हो सकता है, आपका मोबाइल का जो डेटा है एंड दोस्तों आपका जो बैंक अकाउंट, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड पूरा डिटेल्स वहाँ पर लिया जा सकता है, जिसमें आपको बहुत हानि हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो इंडिया का साइबर एजेंसी CERT है वो आपके लिए एक एडवाइजरी जारी किया है कि उन्होंने बताया है कि ये जो अटैक ज़्यादातर हो रहा है ईमेल के माध्यम से। दोस्तों ये पहले नहीं इंडिया पर हो रहा है, 3 महीने से दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ये अटैक चल रहा है। दोस्तों वहाँ का प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने ये बात खुद बताया है। तो दोस्तों ये जो अटैक है ज़्यादातर ईमेल के माध्यम से हो रहे हैं, तो ईमेल भी आ रहा है, आप देख सकते हैं डिस्प्ले पर एक ईमेल शो रहा है, इसी टाइप का ईमेल वहाँ पर आ रहा है। तो आपको ईमेल देख के लगेगा कि ये सरकारी ईमेल है, ये जो .gov.in का यूज़ किया गया है, तो आपको देख के लगेगा ये जो ईमेल है हमारे देश की सरकार यूज़ करती है या बड़े बड़े कंपनियां यूज़ करती है। जिस ईमेल को देखकर आपको लगेगा कि ये ईमेल एक सरकारी ईमेल है, आपसे वहां पर इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा कि COVID-19 का दवा खोज लिया गया है या कोई फलाना डिम्पना कुछ भी आपको बताया जाएगा, आप वहां पर अपना पर्सनल डेटा डालिए, डालकर आप इसका लाभ लीजिए। लेकिन दोस्तों आपको ये गलती कभी नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों किसी भी मेल अगर आपको लालच दिया जाता है, किसी भी ऐसा मेल आता है, तो आप उस मेल को जांच करें, उसके बाद ही मेल को ओपन करें। इसके बाद दोस्तों मेल में अगर कोई फाइल डाउनलोड करने को कहा जाए तो उसको आप डाउनलोड मत कीजिए, क्योंकि डाउनलोड करने से हो सकता है आपका फ़ोन हैक हो जाए। इसके बाद दोस्तों आपका जो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप पर दोस्तों बहुत सारा मैसेज आते रहते हैं, तो वहाँ पर देखना बहुत सारा लिंक भी शेयर किया जाता है कि आपको डेटा फ्री मिलेगा, आप इसको शेयर कीजिए, इसको आप लिंक पर क्लिक कीजिए, तो आपको उस लिंक से सतर्क रहना है। यहाँ पर देखिए SBI ने भी ट्वीट किया है, यहाँ पर बताया है कि कैसे मेल आकर आपका जो धनराशि है, आपका जो अकाउंट है, आपका जो फ़ोन है वो हैक हो सकता है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सतर्क रहना है। हालांकि मैं वीडियो 2 दिन बाद बना रहा हूँ, लेकिन दोस्तों जानकारी जानकारी होता है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन कहीं भी एंटर ना करें, पूरा जांच पता करने के बाद ही आप वहाँ पर एंटर करें। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए एंड दोस्तों ऐसा यूजफुल वीडियो और देखने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया है तो ऑब्वियसली आप डिसलाइक कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।